थोड़ा सा पूजा हो जाए तो स्कूल नया हो जाएगा तो बच्चे को डर नहीं लगेगा। हमारे स्कूल में जो डेड बॉडी रखा गया था उसको देखकर तो मेरा दिल घबरा गया है। वो उसको देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सबसे पहले बताऊंगी स्कूल को पहले साफ और पूजा पाठ कर लेना चाहिए, वरना मेरे छोटे छोटे बहन और भाई बहुत डरेंगे। स्कूल 10 से 4 बजे तक खुला रहेगा, पढ़ाई कैसे करेंगे ये सो चिंता में है, तो लगे रहे हैं हम मोटिवेट करने के लिए। जो आसपास के लोग हैं, जैसा कि आपने बताया 500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आते हैं, उनको अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए बच्चों को आप दोबारा स्कूल भेजिए, उनके स्टडी को डिसकंटिन्यू नहीं कीजिए, तो लोगों को आप कैसे समझाएंगे? लोगों को यही समझ, लोग तो खुद ही थे, रेस्क्यू में थे, वो सब जानते हैं। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई डरावना नहीं माइंड में लेने का और स्कूल आने का। जो पहले एक्सीडेंट के पहले तो सब खुशी खुशी से आ रहे थे स्कूल, क्योंकि हमारा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, जाएंगे पढ़ाई करेंगे खेलेंगे। लेकिन अब स्कूल को आने के लिए स्टूडेंट्स खुद ही मना कर रहे हैं, नहीं आएंगे, वो डेड बॉडी था, वो कोई स्पिरिट रहे है, इसीलिए बच्चों में डर का माहौल बना हुआ है। इसमें बड़ा हादसा हुआ है तो बच्चों में हुआ है। चाहते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि पूजा पाठ किया जाए या फिर ताकि उनको कन्विंस किया जा सके कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। यस, हम एक तो बड़ा सा पूजा पाठ करना चाहिए इस एरिया में, सारे एडमिनिस्ट्रेशन सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें कुछ हेल्प कीजिए और बच्चों को समझाइए कुछ नहीं है, ये पाठशाला है, कुछ नहीं है, ये एक मंदिर भी है और कुछ नहीं है, यहाँ देवता है, सब आएंगे, कुछ नहीं है, बस हम तो एक स्थिति को हेल्प किया है, तो रिक्वेस्ट है सारे बच्चों गार्डियंस सबको, वो आएंगे स्कूल, फिर से स्कूल आने के लिए हम ट्राई करेंगे और आपकी मीडिया के तरफ से वो न्यूज़ भी आएंगे जरूर। मैं साहिल मोहम्मद खान, जो कि बहाना स्कूल में 9 क्लास में पढ़ता हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल बहाना का। 2 तारीख के रोज़ तो हमारे रेलवे स्टेशन में एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन की, उसमें बहुत सारे लोग हादसे में मौत हुए थे,
वो मौत के बाद बहुत सा एम्बुलेंस पे हॉस्पिटल ले गए थे और डेड बॉडी को भी बहाना स्कूल में रखा गया था। उसके वजह से बहाना स्कूल तो कुछ ब्लड फ्लोट लगा होगा, इसलिए बहुत सा छोटे बच्चे जो कि डर रहे हैं जाने, और हम भी तो दिल में कुछ तो घबराहट है क्योंकि देखे हैं कितना किसका हाथ नहीं है किसका पैर नहीं है ऐसे कुछ देखे हैं, इसलिए बहुत सा बच्चे भी डर रहे हैं जाने। स्कूल बोल रहे हैं कि स्कूल अच्छा से सफाई हो जाए और कलर हो जाए तो स्कूल नए जैसा हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि हम स्कूल जाएंगे, और बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पूजा हो जाए तो स्कूल नया हो जाएगा, तो बच्चे को डर लेने। स्कूल में बहुत डेड बॉडी रखा है था, और स्कूल जाने से बहुत स्कूल में यदि स्कूल कलर हो जाए स्कूल साफ हो जाए तब स्कूल से पूजा पाठ हो जाए तब स्कूल। मुझको तो डर लगता है स्कूल में सब डेड बॉडी रखा है, किसका सर नहीं है किसका हाथ नहीं है किसका पैर नहीं है, डर तो लगता है। बहानगढ़ स्कूल में जितने भी डेड बॉडी होते हैं किसका हाथ कटा हुआ किसका सिर किसका पैर कटा हुआ था, इसलिए स्कूल में स्कूल को और अच्छे से कलर दिया जाए रंग करा जाए, इसलिए स्कूल को कलर किया जाए, इसलिए पूजा पाठ करा जाए, इसलिए हम स्कूल जाने चाहते हैं।